आज की जो हमारी ये जनरेशन है वो साइंस की बातें करती, आगे बढ़ने की बातें करती है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने की बातें करती है, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें हों या एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर लें। हम सिर्फ आगे बढ़ने की बातें करते हैं आज की डेट में। ये कोई नहीं देखता कि हम लोग क्या चीज़ें पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। अभी ये लॉकडाउन हुआ है तो कुछ चीज़ें दिमाग में आई, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी और कुछ चीज़ें समझ में भी आई कि आखिर ये साइंस हमारी और बेहतरी के लिए काम कर रहा है या कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा गहरे गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमको लग रही है, लेकिन साइंस ने हमारे लिए हर एक चीज़ को शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। हम लोग कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनमें से ही बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत सिंपल थी और जो हमको बहुत स्ट्रांग बनाती थी, लेकिन आज साइंस ने शायद हमको उस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे हमें हमारी ही चीज बुरी लगने लगी है और किसी दूसरे की बताई हुई चीज हमें सही लगने लगी है। पानी, पहले गांव में जब हम रहा करते थे तब कुएं का पानी भर के लाया जाता था जिसमें न जाने कितने कीटाणु रहते थे, कहां कहां की गंदगी आके गिरती थी क्योंकि कुएं खुले रहते थे अक्सर। कोई नहीं बता सकता कि वो पानी कितना गंदा रहता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन तब भी हमारी उम्र कितनी रहती थी, 80 साल, 90 साल, कई कई हमारे बुजुर्ग तो 100-100 साल से भी ज्यादा जी के जाते थे। आज लगभग हर घर में आरओ लगा है जो कि कहता है कि इससे शुद्ध पानी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, एडेड मिनरल्स हैं और सारे कीटाणु हमने मार दिए। बाकायदा 99.9% 0.1% कीटाणु वो नहीं मारता, सारे कीटाणु हमने मार दिए। उसके बाद हमारी उम्र क्या रह गई है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बहुत ज्यादा से ज्यादा 60 साल के बाद अगर इंसान जी रहा है तो भाई साहब मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो आज की डेट में, ये कहा जाता है। पुराने समय में वो हमको घाणी का मैला सा तेल खिलाया जाता था जिसमें हमारा खाना पकता था। जिन लोगों को घाणी ना पता हो वो अपने घर में पूछें अपने बड़ों से, वो आपको बताएंगे क्या होता है। और आज हम डबल फिल्टर्ड, 3 बार फिल्टर्ड, अरे 4 बार फिल्टर्ड तक हमको ऑयल मिल रहा है साहब, ऐसा तो ऐसा तेल मिल रहा है जो आपकी दिल की भी ख्याल रख लेगा, आपके बच्चों का भी ख्याल रख लेगा, मतलब तेल ना हो गया आया हो गया, ऐसा तेल हमको मिल रहा है। लेकिन जब हम वो घाणी का तेल खाया करते थे तो हम बुढ़ापे में भी मेहनत कर लेते थे, और आज जब हम ये फिल्टर्ड तेल खा रहे हैं, अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जवानी में ही हाफने लगते हैं। मुझको ही देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मुझसे आज कोई कह दे कि 5 किलोमीटर भाग के चले जाओ शायद मैं नहीं भाग पाऊंगा। और पुराने लोगों को इतनी मेहनत करने की आदत होती थी और ऐसा खाना खाते थे वो लोग, इतना स्ट्रांग खाना खाते थे, तो उनसे कितनी ही मेहनत करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आजकल के युवा वीडियो बनवा लो जैसे मैं मेहनत नहीं हो पाती। लेकिन डले वाला नमक याद है, वो ढिले ढिले आया करते जिसको घर में पीसा जाता था, नहीं पता हो तो ये भी अपने बड़ों से जाके पूछना, वो नमक हम खाने में यूज किया करते थे तो हमको कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज हम लोग देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक और पता नहीं कौन कौन से नमक यूज करते हैं, और हाई बीपी, लो बीपी, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या अपने शरीर में लेके बैठे हैं। अब समझ में नहीं आता कि तब के नमक में बुराई इतनी क्यों नहीं थी, और थी तो तब इतनी बीमारियां क्यों नहीं थी। और जो लोग अभी ये कहेंगे कि तब उतने इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे कि ये बीमारियां पता लग सके, तो भाई साहब तब के जो युवा होते थे ना वो इतने कमजोर भी नहीं होते थे। ये आप मानोगे नहीं क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी ये चीज जानते हो कि मैं बात जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है। पहले के समय में नींबू, कोयला, नमक, इन चीजों से हम लोग अपने दांत चमकाया करते थे और सालों साल हमारे दांत जिंदा रहते थे। और आज के टाइम में हमारे टूथपेस्ट में नमक है और काली मिर्च भी आती कई में, तो पता नहीं क्या क्या दातून वातून, ऐसा लगता है पेड़ से तोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो उसी में डाल के दे दिया उन्होंने पेस्ट में। लेकिन डेंटिस्ट की कमाई कितनी बढ़ गई है ये भी आप सब जानते हो, किसी का दांत हिल रहा है, किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है और न जाने क्या क्या। ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई, या तो हमने खुद पैदा करी हैं या पहले के लोगों को ये प्रॉब्लम्स पता नहीं होती थी। अब ये आप सब अपने आप को बेहतर आंसर दे सकते हो उस चीज़ का। पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे, वो वैद्य जो नाड़ी पकड़कर रोग बता दिया करते थे। चलिए ठीक है मान लिया, कहीं कहीं ढपोसले भी होते थे, पर ये ढपोसले आधुनिक युग में आके ज्यादा पड़े जब लोगों ने देखा कि अरे लोगों को इस तरीके से ही बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो जो जेन्युइन वैद्य होते थे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती गई क्योंकि जो धोखा देने वाले लोग थे वो बढ़ते गए। सिंपल सी बात है,
और आज की डेट में भी कुछ चीजें बदली नहीं है, बस उन्हीं धोखा देने वाले लोगों ने डॉक्टर का मुखौटा पहन लिया है। मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो भगवान बने बैठे हैं, लेकिन ये आप और मैं भी जानते हैं कि हमारी उस सोसाइटी में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं जो इन चीजों का फायदा उठाने में कभी पीछे नहीं हटते। और कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट की जांच के नाम पे उससे करीब हजारों की, करीब करीब तो लाखों की जांच करा लेते हैं और फिर बोलते हैं अभी आपका रोग पकड़ में नहीं आया। और ये जानबूझ के होता है, इसके एग्जाम्पल आपको कई जगह मिल जाएंगे, मुझे यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है, पर ये चीजें एक्चुअली में हो रही हैं। एक्चुअली पहले के समय में जो माएँ होती थी उनके साथ साथ आठ आठ बच्चे होते थे, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो 80-80, 90-90 साल जीती थी। और आज के समय में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको पहले ही महीने में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और उसके बाद भी ऑपरेशन से बच्चे को पैदा किया जाता है, क्योंकि आज की महिलाओं में, या यूं कहूं कि आज के खान पान में, वो दम वो ताकत नहीं रह गई है कि वो इंसान के शरीर को इतना दर्द झेलने के लिए, इतनी पीड़ा झेलने के लिए तैयार कर सके। पहले के समय में मिठाइयां बनती थी काले गुड़ की, ये जो हम आजकल गुड़पट्टी खाते हैं ना, गुड़ की और मूंगफली की जो आती है टिक्की, वो तभी की देन है। और वो ठोक के खाया करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था कितना ही मीठा खा लो, गुड़ की चाय न जाने क्या क्या। और आज इतनी सारी मिठाइयां हैं, मतलब एक बार तो मैं दिवाली पे अंदर गया मिठाई की दुकान में तो 1000 रुपए किलो से कम की तो कोई मिठाई ही नहीं थी। 2 मिनट लिए तो समझ में ही नहीं आया कि यार ये कौन सी मिठाइयां हैं, मैंने तो देखी ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि मिठाइयां तो बहुत सारी हैं, पर आज मिठाई समझने की उम्र हो जाने के पहले ही हम लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। 40% से ज्यादा पॉपुलेशन तो ऐसा लगता है आते जाते अभी शुगर की बीमारी लेके ही घूम रही होगी, कुछ लोग जांच नहीं कराते, बाकी लोग जांच करा के बैठे। क्यों हो रहा है ये सब? क्या पहले हम लोग मीठा नहीं खाया करते थे, या अब हमने मीठा खाना ज्यादा शुरू कर दिया? क्यों हो रहा है ये सब? पहले हमारे बुजुर्ग खेतों में घंटों काम किया करते थे, दिन रात काम किया करते थे, पर उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ करता था। और आजकल ऑफिस की कुर्सी सेकते हैं हम लोग, बैठ के काम करते हैं तो हमारी पीठ में, कंधे में, घुटने तो जन्मजात दर्द के साथ ही पैदा होते हैं ऐसा लगता है। कहाँ से आ रही है इतनी कमजोरी, जब हम लोग इतनी मेहनत करना जानते हैं, हमारे बुजुर्ग इतनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो आखिर ये कमजोरी कहाँ से आ रही है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हमारा आज का साइंस है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है, कहीं हमको और बेवकूफ तो नहीं बना रहा? क्योंकि पहले हमारे घर में गाय की रोटी, चिड़िया की रोटी, कुत्तों के लिए रोटी, सबके लिए रोटी बना करती थी, पर हमारा बजट नहीं बिगड़ता था। और आज की रेट में तो ऐसा लगता है कि बजट कैसे संभाल, ये समझ नहीं आता। पहले के समय में औरतों के लिए कोई जिम या कसरत नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो एकदम फिट रहा करती थी। आप आज भी देख लीजिए कल की औरतों को, लेकिन हमारी आज की जो महिलाएं हैं उनके लिए जिम है, ना जाने कौन कौन सी एक्सरसाइज है, फिर भी कमर दर्द तो ऐसा लगता है एक कॉमन सिंड्रोम बन चुका है, एक कॉमन बीमारी बन चुकी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। घर कच्चे होते थे, कमरे और भी कम होते थे, लेकिन कभी भी किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जितने खिलौने आज के बच्चों के पास हैं उतने खिलौने शायद नहीं होते थे, पर फिर भी कभी अकेला महसूस नहीं होता था। आजकल ऐसा लगता है मैदान तो खूब है, या मैदान भी नहीं है, और मैदान है भी तो बच्चे नहीं। ये उन दिनों की बात है मेरे दोस्तों जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था हमारे पास करने के लिए, या दिखाने के लिए एक दूसरी दुनिया नहीं हुआ करती थी। खेलने के लिए 15 बच्चे होते थे पर बॉल एक हुआ करती थी, आज शायद हर बच्चे के पास 15-15 बॉलें हैं पर खेलने के लिए 15 लड़के या 15 दोस्त या 15 कैसे भी लोग नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आखिर हम लोग, ये समझ नहीं आता। बैठे बैठे क्या करें ये समझ नहीं आता। क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब अच्छे से जानते हैं कहाँ पे हमको क्या चीज़ का सुधार करना है, ये किसी को आज की डेट में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सवाल का आंसर गूगल महाराज के पास होता है। अपने से बड़ों से पूछने की हमको जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी उंगलियों में पूरी दुनिया का ज्ञान होता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आखिर ऐसा क्या पाना चाहते थे हम, या ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे हम, जो अपनी खुशियों को अपने हाथों से ही बेच आए हम। मुझे समझ नहीं आता कि आगे जाके क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से ही होता रहा तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जानता हूं बात शायद कई लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन बात तो यही है ना, लोगों के पास आज सब कुछ है पर वक्त नहीं है। और एक बात और,
अगले वीडियो में उन मजदूरों के बारे में बात करेंगे जिनका कोई सहारा नहीं बचा है, जिनका कोई घर नहीं बचा है, जो उनके माई बाप हुआ करते थे शायद कहीं गुम हो गए। बात उनके बारे में भी करेंगे क्योंकि उनके बारे में बात करना भी जरूरी है। लेकिन जो आज की वीडियो में आपको बातें बताई हैं वो जरूर ध्यान रखना कि आखिर इतना अकेले कैसे हो गए हम, खुद को कहाँ छोड़ के आ गए। जय हिंद, जय भारत।